बच्चों, आज हम दशम कक्षाया के अंतर्गत संस्कृत विषय में मार्कंडेय मुनि और उनके जो शिष्य है उसके विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। कौन सा पाठ है? ये षष्ठ पाठ है। पाठ का नाम क्या है? तो चलिए आगे के इसमें हम देखते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं मार्कंडेय मुनि और उनके शिष्य, इनकी क्या कथा है यह हम आगे के पाठ में पढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये षष्ठ पाठ है और इसका नाम है यशः शरीरम। ये कथा है और ये क्या है? संकलित है ना? और ये इसका मतलब होता है, यशः शरीरम का मतलब होता है यश रूपी शरीर। यशः शरीरम का मतलब क्या होता है? यश रूपी शरीर। अब कैसा यश रूपी शरीर? तो संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोग संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं, और जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण की भावना से, है ना, संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते, सुख और स्वार्थ को छोड़कर कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर के द्वारा क्या होते हैं? जीते हैं। लेकिन जो अपने स्वार्थ के बारे में जो सोचते हैं कि मेरा बस काम बन जाए, क्या सोचते हैं जो, कि भैया मेरा बस काम बन जाए, बस मुझे किसी से और कोई लेना देना नहीं है, जो केवल अपना सोचते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवित तो रहते हैं, जिंदा तो रहते हैं, जीते तो हैं, लेकिन वो किसके समान होते हैं? मृत व्यक्ति के समान होते हैं। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए यह जो है एक संकेत कथा यहाँ पर प्रस्तुत आपके समक्ष की जा रही। चलिए, वो कथा क्या है उसको पढ़ेंगे समझेंगे हम। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि बसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः। जो जैसे जैसे मैं आपको संस्कृत का वो पढ़ा रही हूँ बच्चों, आप लोगों को भी क्या करना है? ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो पढ़ा जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इसी के क्वेश्चन आंसर बनते हैं, है ना। सिर्फ बहवा शिष्य आसन वासुदेव तस्य प्रीशिष्य। शब्द समझ में आते जा रहे होंगे आपको कि गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन। गंगा किनारे कौन रहता था? मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन। उनके गुरुकुल में कौन से थे? बहुत सारे। बहवा माने बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य, जो वासुदेव था उनका कैसा शिष्य था? बहुत प्रिय शिष्य था। तस्य द्वादश वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तम् तदा गुरु आयुः। यानी उन्होंने कहा, अब जब क्या शिष्य अधुना भवान सर्व विद्यान परांगत अस्ति, अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति। भवान गमनात् पूर्वा भक्ता द्वारकापुरुष। कहाँ पर? द्वारकापुरुष। किसके यहाँ? देवराजन यहाँ। ग्रहम माने घर, दृष्टवा माने देखकर, आगंतम किंतु ग्रहांतम नागंतम, जबकि घर के अंदर नहीं जाना। अब ये पूरे एक जो एक जो मैंने आपको संस्कृत का पढ़ाया, इसका जो अनुवाद है उसको समझिए कि गंगा किनारे पर कौन रहते थे? मार्कंडेय नाम के मुनि। उनके गुरुकुल में कौन थे? बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उसका 12 वर्षीय अध्ययन जब समाप्त हुआ, तब गुरु ने उसको बुलाकर कहा, आयु शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं में क्या हो गए? निपुण हो गए हो, इसलिए इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। जाने से पहले द्वारकापुर, अभी हमने आपको जैसे हम द्वारकापुर से किसका घर है? द्वारकापुर में देवराज का, देवराज का घर देखकर आना है। किंतु घर के किंतु गृहस्थ यांतः ना गंतव्य, घर के अंदर नहीं जाना है। ये आपका यहाँ का एक पूरा पैराग्राफ का हुआ। चलिए आगे क्या हुआ? इसके बाद वासुदेव तस्मिन् एक दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान। द्वारकापुरम कहाँ गया? जो वासुदेव उनका जो प्रिय शिष्य था मैंने आपको बताया, तो वो जो अपने गुरु की बात मान करके कहाँ गया? द्वारकापुरम गया। दिन त्रय प्रणयस्य अनन्तरं प्राप्य सः ग्राम द्वारे स्थित जनान अप्रक्षत। जैसे ही 3 दिन के प्रस्थान के यात्रा के बाद वह गांव में पहुंचकर उसने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित, गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित 3 दिन के प्रस्थान के बाद वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर की ओर
की ओर क्या हुआ, चल दिया। 3 दिन के प्रस्थान के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, क्या पूछा, देवराजस्य गृहं कस्य, यानी देवराज का घर कहाँ है, व्यर्थ में किस लिए जा रहे हो, ऐसा उनको वहां पर लोगों ने कहा। ऐसी उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को क्या दिया, बताया। आगे जाने पर उसने कुएं से पानी निकालती हुई महिलाओं से पूछा, उपात जलम उदारती महिला याचित्वा जलम प्राप्त तन पिवन, कि भाई देवराज का घर कहाँ है। तो महिलाओं ने क्या कहा, देवतस्य पापिनः नाम किमर्थ मम कुरुता, आपने किस पापी का नाम, उस पापी का नाम आप किस लिए मेरे सामने बोल रहे हो। ऐसा बोलती हुई वो महिलाएं वहां से क्या हो गई, चली गई, यानी कोई बताना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जो था वो कैसा था, वो अच्छा नहीं था, है ना, तो कोई उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। चलिए आगे क्या हुआ, किंचित दग्रे गता वासुदेव कंचित देवान पश्चात तत्प्रसादे भोजन वितरण नितराम बुभुक्षिता वासुदेव, बुभुक्षिता कौन था, भूखा कौन था, वासुदेव पंक्तव, यानी जो पं खाना जो परसते हैं ना, जो वो पंक्ति में बैठते हैं, भोजन समय इसका पार्श्वे उपवशतम कंचित जनम अकक्षत। वासुदेव ने पूछा, देवराज किन धनी का, क्या देवराज धनिक है। इति तदा सह पार्श्वत्व जना धिक भवन कर धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिना नाम, आपने तो भोजन के समय पापी का नाम दे दिया। इति वदन्त भोजनम परित्यज, ऐसा करके भोजन को त्याग करके उड़ गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशिता वासुदेव अन्नम, और तो जो वासुदेव को और खाना पीना था कुछ खीर भी, वो किसी उनको नहीं मिली। अपूर्ण एव सह तथा उत्थ मान, वो खाली पेट ही वहां से क्या हो गए। चलिए इसका हिंदी अनुवाद समझिए, जब उन्होंने सबसे पूछा कि भाई देवराज का घर कहाँ है, सबने बोला, किसी ने अच्छे से नहीं बताया कि देवराज का घर कहाँ है, वो कहाँ रहता, सबने बोला कि उस पापी का नाम क्यों ले लिया। तो अब ये जो अनुवाद है उसका, कि कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा, है ना, ये दिया ना देवालय वाले मंदिर, वहां पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण बंटना चल रहा था, किंतु अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में क्या हो गया, जैसे खाना खाते पंक्ति बैठ गए, भोजन के समय पास बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, क्या देवराज धनिक है, अरे धनवान है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, पास बैठे उस व्यक्ति ने, अरे आपको धिक्कार है, भोजन के समय उस पापी का नाम क्या किया आपने, ले लिया, नाम याद दिला दी। ऐसा बोलता हुआ वह भोजन छोड़कर क्या हो गया, खड़ा हो गया, भोजन को छोड़ के खड़ा हो गया। यह देखकर खाना परोसने वाले ने वासुदेव को भात खीर आदि नहीं परोसी, खाली पेट ही वह वहां से क्या हो गए, उठ गया। इस प्रकार से जब वो खाना खाने ही बैठे और उन्होंने जब देवराज का नाम ले लिया, तो लोगों ने उनको खाना ही नहीं दिया, इतनी ज्यादा लोग उनसे क्या करते थे, नफरत करते थे। चलिए आगे, इस प्रकार से दूरा एक देवराजस ग्रहम दृष्टवा प्रत्यागत द्वारकापुरम, है ना, अब हम पढ़ेंगे रामनाथपुरम। तो प्रति प्रस्थितवान मध्य मार्ग तेन सोमपुर, ये आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मध्य मार्ग में कौन सा पड़ा, सोमपुर पड़ा। तत् स्वगृह से उपविष्टां कंचित मात्रम अवदत् अम किंचित जल ददातु इति। आप देखिए यहाँ पर दो हैं, एक रामदेवस्य है और एक देवराज, तो देवराज का घर बताने के लिए सब लोग क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे और गंदा बोल रहे थे, उसको पापी कह रहे थे, नाम लेना नहीं चाह रहे। अब वहां पर जो जब वो आए लौट करके आश्रम, तो उन्होंने फिर गुरु ने बोला कि भाई अब तुम एक काम करो, देवराज का ग्रह तो तुम आ गए हो, अब तुम दो दिन गुरु पर लो पहुंचा। फिर गुरु ने उसको आदेश दिया, अब तुम एक काम करो, रामनाथपुर जाओ, और रामनाथपुर जाकर के तो किसका घर देखा, जलम दत्वा माता प्रक्षत और भत्वा कृत गम्यते इति रामदेवस्य ग्रहं प्रति इति अवदत् वासुदेव। अहो प्रातः स्मरणीय साहित्य उक्ता
इति उक्ता सा माता वासुदेवस्यम् अत्तन अन्तः नीत्वा भोजन आदिकं सत्कृतवती तद्गता वासुदेव रामनाथपुरं प्राप रामदेवस्य गृह पुत्र इति कञ्चित् अपृच्छत् सापि सा कृत स्वयं आगत रामदेव ग्राम प्रादर्श्य दूरात् एव तत् दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुल प्रत्यागच्छत्। यहाँ पर पहले जो हमने आपको समझाया वो बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप द्वारकापुर जाएं और देवराज का घर देखें, दूसरी बार में उन्होंने कहा कि आप रामनाथपुर जाएं और राम देवल का घर देखें। तो जब शिष्य अनंतर दिने रामनाथपुर प्रति जब वो जाते हैं तो मध्य मार्ग में सोमपुर पड़ता है और तत्र घास से पड़ता उपजा कांचित मात्र आदर वहां पर जो एक जो घर है वहां पर वो एक माता जी से बोलते हैं अम्ब किंचित जलम ददातु, क्या माता जी मुझे पीने के लिए कुछ जल मिलेगा, मतलब जल देंगी आप। जल दत्ता माता अपरक्षत, जब माता उनको जल दे रही थी तो भक्ता पुत्र गम्यते वो कहां मतलब है जाना है, तो रामदेव से कहा प्रतीति अवदत वासुदेव ने कहा कि मुझे रामनाथ जी के यहाँ जाना है। अहो प्रातः स्मरणीय तो जो माता जी उन्होंने क्या बोला, अरे सुबह सुबह रामदेव जी का नाम ले लिया, सुबह सुबह उनको याद कर लिया। इतवा सा माता वासुदेव ने मानता नीतवा भोजन आदि का आदर सत्कार के साथ उनको बैठाया, उनको भोजन आदि कराया। चलिए इसका और हिंदी अनुवाद भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत। ये है इसका अनुवाद। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वहां लौट आया, दो दिन के बाद वह वहां पहुंचा। गुरु ने फिर कहा रामनाथपुर जाकर वासुदेव जी के घर को बारे में जानकर आओ। शिष्य दूसरे ही दिन रात कहां गया रामनाथपुर की ओर चल दिया। रास्ते के बीच में क्या पड़ा सोमपुर, ये आता है वस्तु क्वेश्चन के रूप में आता है कि मध्य मार्ग कहां स्थित सोमपुर। वह अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माता जी से बोला कि माता जी थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी देकर माता जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। रामदेव जी ने क्या उत्तर दिया, ऐसा रामदेव ने कहा कि रामदेव के घर की हो, ऐसा उन्होंने कहा वासुदेव जी ने। अच्छा तो फिर प्रातः स्मरण नहीं, अरे उनका तो सुबह सुबह नाम लेना बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर माता जी ने वासुदेव को पैर पूर्वक क्या दिया, अंदर ले जाकर भोजन आदि दिया, उसका सत्कार किया और वहां से निकलकर वासुदेव जी ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से रामदेव जी का घर कहाँ है ऐसा उन्होंने पूछा। तो उन्होंने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव जी के घर को दिखाया। दूर से ही घर देखकर वासुदेव कहाँ लौट आए, गुरुकुल लौट आए। इस प्रकार से आगे क्या हुआ, चलिए कौन गया है देवराज जी के घर और रामदेव जी के घर, कौन जा रहे हैं शिष्य, शिष्य का नाम क्या है वासुदेव। दिन द्वादश अंतर अनंतरम गुरु आकर्षित वासुदेव भगवान इति गृहस्थ आहति गमनात् पूर्व भवता देवराज रामदेव पूर्ण परिचय का। देखो अब तुम देख तो उनका घर आए हो लेकिन अब जाने से पहले मेरा एक काम और करो कि आप उनका पूर्ण परिचय आप प्राप्त करके आओ। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरम्। जैसे ही वह गुरु का आदेश मिला तो वो फिर कहाँ पहुंचे, द्वारकापुर प्राप्त देवराज के धाम पहुंचे। आलीशान उनका मकान बंगला द्वारका द्वार रक्षा तक प्रवेश निषिद्ध बनता। द्वार जो द्वारपाल खड़े रहते उन्होंने अंदर जाने से वासुदेव को मना कर दिया। बहुत प्रार्थना देवराजस, बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वासुदेव को अंदर जाने के लिए कहा। तो वासुदेव जब अंदर जाते हैं निवेदित कोपे भाई आगत देवराज तो देखते क्या है, क्योंकि इतने बड़े महल इतना राजमहल और जब जैसे ही अंदर गए तो कोपे क्रोध से भरा हुआ कौन था देवराज। उन्होंने क्या कहा, किम धनम याचितुम, अरे कैसे अंदर चले आए, धन मांगने के लिए आए हो क्या। आगतम भवता मया कस्मित कस्मैचित किमपि न दीयते, मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मम विश्रांते नाशित, मैं क्या कर रहा था, विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था। नश्यत भवता, सारा सब कुछ नाश कर दिया। निर्गताम हितहैति तरित्वा तम प्रेषितवान, और ऐसा कहकर निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए इसके हिंदी अनुवाद भी आप देख लें, बहुत अच्छे समय से प्रश्न उत्तर आते। जैसे मैंने कहा अनुवाद कि दो दिन के बाद गुरु ने कहा वासुदेव कहा यहाँ से अपने घर जा सकते।